Section which we are discussing now is from verse number 32 to 44. 32 से लेकर 44 श्लोक तक द्वारका में देव ऋषि नारद का आगमन है। So in this chapter daily activities Lakshmi Avatar Sri Krishna in Dwarka are described, and then among those daily activities, one activity is to go to Sudharma Sabha, the assembly hall, every day. To have discussion on different topics concerning the
protection of the Dwarka in relationship with different devotees. So, in this section, in Sudharma Sabha, there is a messenger came from Magadha, the kingdom of Jarasandha. And the reaction and the request of the imprisoned kings were that Lord Sri Krishna should rescue them. Bhagavan Sri Krishna unko bandi grah se Jarasandha ke mukt karaye. That topic is over. As that topic is over, Devrishi Narada has just arrived in Dwarka. And he is regularly visiting Dwarka. 11th canto mein likha hai, Narada baar baar Dwarka aate the. Isliye nahi ki swarap ka wahan koi prabhav nahi padta. Narada kahin 3 din reh nahi sakta hai, daksh ka swarap hai. Lekin Dwarka mein swarap ka prabhav nahi padta. Lekin ye karan nahi tha. Usko Bhagwan Sri Krishna ke सानिध्य में सुख मिलता था. सो ही वॉज कमिंग सिंपली टू हैव दर्शन एंड एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. सो नारद जी आए तो श्री कृष्ण हैज रिसीव्ड हिम एज ए सेलिशियल देव ऋषि. एंड देन कृष्ण आस्क्ड द क्वेश्चन. भगवान श्री कृष्ण ने नारद से पूछा कि आपके आने से तीनों लोग निर्भय हो जाते हैं. All three worlds become fearless when you come. आप ऐसे भक्त हो और सब कुछ जानते हो, you know everything. तो हमारे भाई पांडव क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं. ये कृष्ण ने पूछा. This question कृष्ण ने asked from Narada. अब इसमें क्या इंटेंशन था कृष्ण का, वो नारद बोल रहे हैं. आज ये नारद जी के मुख से श्लोक है. भगवान ने तो नारद जी की बहुत बड़ी महिमा गा ली. आपके आने से तीन लोग निर्भय हो जाते. ऑल थ्री वर्ड्स बिकम फ्री फ्रॉम फियर. भक्त जान जाते हैं कोई भय नहीं होता. आप सब जानते हो, बताओ पांडव का इंटेंशन क्या है, व्हाट इज देयर नेक्स्ट प्रोग्राम. तो नारद जी क्या कह रहे हैं, आज ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं. आइए 38 वर्ष को पढ़ते हैं. तवे ही तम को हरति साधु वेदितम. स्वमायैदं सृजति न्यच्छितः. यद्विद्यमानः आत्मय अवभासते. तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने. कलितं को अहरति साधु वेदितुम्. स्वमाय इदं सृजति नेच्छतः. यद् विद्यमानात्मन्यवभासते. तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने. तवितं को अर्हति साधु वेदितुम्. स्वमाय इदं सृजतो निश्चितः. यद्विद्यमानात्मन्यवभासते. तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने.
So this is the translation of first line. Tava ihitam ko aharati sadhu veditam. Tava Sri Krishna. Narad keh rahe hai na. Tava Sri Krishna. Ko, kon? Ahitam, hitam. Hetu kya hai? Hetu, purpose. Intention. Ahitam means hetu. Hetu means purpose. Sadhu properly, yahan likha hai properly. Sadhu achhi tarah se, theek theek. Vedi tum kaun jaan sakta hai? To ye pehli line ka translation kya hai? Who can properly understand your purpose? Purpose kya hai? Hetu tum. Ahitam. Hetu kya hai aapka? Properly kya sadhu? Kaun jaan? Who can properly understand your purpose?
इंटेंशन आपका क्या है भगवान कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। क्यों? विथ योर मटेरियल एनर्जी यू एक्सपेंड सृजति, एक्सपेंड सृजति का ट्रांसलेशन तव माया इदम सृजति एंड आल्सो विद्रा नेच्छति दिस क्रिएशन इदम which appears to have substantial existence. ये है तीसरी लाइन। क्या है तीसरी लाइन में? तीसरी लाइन है यद देट which विद्यमान, विद्यमान एग्जिस्ट, कोई चीज विद्यमान है, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड एनहेलिएशन। तो जब मेंटेन है विद्यमान आत्मया by your self as super soul, आपके आधार के ऊपर आत्मा ने आपके द्वारा, और फिर है अवभासते, अवभासते का अर्थ है appears, माया से सृष्टि होती है और सच्ची लग रही है आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू इट अपीयर्स सब्सटेंशियल, क्योंकि प्रभुशीला प्रभुपाद पर्पल में बताएंगे इट अपीयर्स रियल दो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रतिबिंब असली लग रहा है, रिफ्लेक्शन अपीयर्स रियल, क्यों कि आप इसमें हैं इसलिए। और लास्ट लाइन क्या है? ओबीसियंस टू यू तस्मै नमस्तस्मै हूज ट्रांसेंडेंटल पोजिशन विडम्बना आसाई द वर्ड इज विलक्षण, विलक्षण transcendental position, विलक्षण different from everybody, आत्मने inconceivable, is you are transcendent, whose transcendental position is inconceivable. So last line का translation purport में लिखा है श्रील प्रभुपाद के disciple, श्रील प्रभुपाद explained where in Krishna book Nard's realization as follows. Nard is one of the Mahajan and his realization is the path we all should follow. Mahajan yena kata sarpanta. So what is the realization of Nard? My dear Lord, by your inconceivable potencies, plural में लिखा है प्रभुपाद ने, my dear Lord, by your inconceivable potencies, अचिंत्य शक्तियां, you create this cosmic manifestation. कौन सी शक्तियां हैं जिसके द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं? Potencies plural में है, तो विच आर दोज पोटेंसीज बाय विच सुप्रीम लॉर्ड क्रिएट, क्या बोलो बोलो बेटा, बाहिरंग शक्ति माया, ओके, और इंटरनल से तो सृष्टि नहीं होती है, वो तो आध्यात्मिक जगत की स्थिति को मेंटेन करती है, इट मेंटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सातवां अध्याय, सातवां अध्याय याद करो, परा और अपरा प्रकृति, दो प्रकृति है ना, परा और अपरा, जिससे सृष्टि होती है। क्रिएशन इज बाय टू एनर्जीज, परा एंड अपरा, द कंडीशन लिव सोल एंड द मटेरियल वर्ल्ड, अष्टधा प्रकृति, अष्टधा भिन्ना। तो ये पोटेंसी जब ये देख रहे हैं तो तब आपको सृष्टि दोष, everything which we see in this material world is the interaction of the two energies, the external energy and
मार्जिनल एनर्जी। तो ये पोटेंसीज है मार्जिनल एनर्जी, कौन सी? बद्ध जीव। किससे बंधे हुए जीव? किससे बंधे हुए? प्रकृति के तीन भूमों से। दे आर बाउंड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और मटेरियल नेचर तीन क्या करते हैं? व्हाट दे डू वेयर दे एग्जर्ट देयर इन्फ्लुएंस। प्रकृति के तीन गुण अपना प्रभाव कहाँ डालते हैं? हमारे ऊपर कहाँ डालते हैं? कहाँ? चेतना, कॉन्शियसनेस और क्या बोला? संसार को चलाने में। अच्छा, संसार कैसे चलता है? संसार को चलाने का मतलब है जन्म मृत्यु का चक्र, ठीक है? संसार कहते कहते किसको? जैसे सड़क है ना, सड़क का मतलब उसके ऊपर चलना है, संसार का मतलब उसको चलना ही है, वो खड़ा नहीं हो सकता एक जगह पे। इट हैज टू कंटिन्यू। इसका मतलब रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। वो कैसे होता है? सटल बॉडी कैसे होता है? हु कैरीज दिस सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी? सटल बॉडी। और तीन बोर्ड्स प्रकृति के कहां प्रभाव डालते हैं? सटल बॉडी। कहां डालते हैं? सटल बॉडी। उससे क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? जीव का स्वभाव बनता है। नेचर ऑफ ए लिविंग एंटिटी इज गवर्न्ड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हमारा स्वभाव जो है जीव का, वो प्रकृति के तीन गुणों से बनता है। ये श्लोक भगवद गीता है का है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव ही सबसे वो प्रेरित करता है काम करने के लिए। एवरीबॉडी इज वर्किंग बिकॉज ऑफ हिज नेचर व्हिच इज बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड व्हिच गोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इसलिए संसार चलता है। वो स्वभाव हमको ले जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। सदासद यूनि जन्म सु लिखा है ना, तीसरे प्रकृति के तीन गुणों के कारण सदासद यूनि जन्म सु। ये भी तो श्लोक भगवद गीता का है ना भाई। सत अच्छे जन्म मिलता है या नीच जूनि में जाना है, वो भी प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जिगण गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये गुण कहाँ प्रभाव डालते हैं, ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि बद्ध जीव वो है जो प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। और कहाँ डालते हैं प्रकृति के गुण प्रभाव? सटल बॉडी के गुण। सटल बॉडी में चार चीजें हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो एंड पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्रकृति के तीन गुण। और उसी से ये सृष्टि होती है। नेक्स्ट लाइन, यू क्रिएट दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बाय योर टू एनर्जीज, मेंटेन इट। हाउ यू क्रिएट? यू क्रिएट थ्रू द एजेंसी ऑफ ब्रह्मा जी। हाउ यू क्रिएट दिस यूनिवर्स? थ्रू ब्रह्मा जी। मेंटेन इट बाय यूर सेल्फ एंड डिजॉल्व इट बाय रुद्र। रुद्र प्रिंसिपल, रुद्र इज ए प्रिंसिपल। तो ये जब ये वर्ड पढ़ रहे हैं, देन वी कैन सी बियॉन्ड दीज वर्ड्स कौन इसके पीछे काम कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये काम कर रहे हो, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। सो क्रिएशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इनडायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ कृष्णा
through different agencies, through different potencies. भगवान तो गोलोक में बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गोपों के साथ वन विहार कर रहे हैं, गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं. उनको सृष्टि विष्टि को काम करने की जरूरत नहीं है. He is not directly entangled in that. लेकिन होती सब उसकी नजर में माया देक्षेण प्रकृति सूर्यते से चराचर. दैट प्रकृति इज वर्किंग अंडर माय अध्यक्षता, अंडर माय सुपरिटेंडेंस. प्रकृति मेरी इच्छा से काम करती है. इट इज बाय डिंट ऑफ योर इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्ति. Only that this material world, although a shadow representation of the spiritual world, material world is a shadow representation of the spiritual world. इसका मतलब जो इस दुनिया में है वो असल में आध्यात्मिक जगत में है और उसका ये रिफ्लेक्शन है. एक ड्रामा करते थे डिवोटीज इस बात को दिखाने के लिए. आपने कभी किया है, देखा है ड्रामा? श्री प्रभुपाद इस रिफ्लेक्शन को मटेरियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल कैसे देते हैं, ऊर्ध्व मूल अध शाखा वाले श्लोक का. एट द रिवर बैंक ट्री लुक्स लाइक अपसाइड डाउन, ऐसे ना पेड़ उल्टा दिखता है. तो ड्रामा क्या करते हैं बच्चे, नदी के किनारे एक आम का पेड़ है, ऊपर आम लगे हैं और नदी के अंदर एक नहरा है, उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है. वो डाइव करके उस आम को पकड़ रहा है. अब नीचे जाता है, बाहर निकलता है, आम हाथ में आता नहीं है, बार बार उसको पकड़ने का प्रयास करता है. तो लोग खड़े हुए देखते हुए हंसते हैं, अरे भाई आम कहाँ ढूंढ रहा है, आम नहीं है, आम का ये है प्रतिबिंब है, ये है आम का रिफ्लेक्शन है. तो एक भक्त ऊपर खड़ा होता है पेड़ के पास, उसको कहता है नीचे नहीं मिलेगा आम, ऊपर आओ. वो देखो आम ऊपर है, ऐसे करके उतार के उसको हाथ में देता है. ये ड्रामा करते हैं, देखा है कभी आपने ये ड्रामा? ये डिवोटी ये ड्रामा करते हैं, दिखाते हैं कि हम इस दुनिया में सब चीज़ों को जो पकड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से? भाई मिरर बड़ा लगा हुआ है, उसके अंदर सारा फ्रूट, एक पूरी डाइनिंग टेबल के ऊपर महाप्रसाद का फीस लगा हुआ है और वो दिख रहा है मिरर में, तो मिरर से कोई खा तो नहीं सकता है, देख ही सकता है. तो ये दुनिया ऐसी है. और इसको फिर एक दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है, मृग तृष्णा. क्या बोला है? मिराज, मिराज, मृग तृष्णा. वो क्या है मृग तृष्णा? कैसे है? इन ए वेरी हॉट समर सीजन इन ए डेजर्ट इट अपीयर्स देयर इज वाटर फॉर द डियर. मृग कहते हैं डियर को, पानी लगता है, सामने पानी पड़ा है, प्यास की है, आई वांट जाके पीना है, पीना है. और जहां पानी के पास में पानी उतना ही दूर होता है, पानी होता ही नहीं, पानी दिख रहा है नहीं. और हिरण चल के थकते थकते प्राण दे देती है, पानी नहीं मिलता. तो इस दुनिया के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि किसी के पीछे पड़ जाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, है ही नहीं. अब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. तो ये भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी. मटेरियल वर्ल्ड ऑल्दो शेडो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपीयर्स टू बी फैक्चुअल. सत्य दिख रहा है शेडो. एक प्रभुपाद जी और उदाहरण दिया करते थे, भाई भोक्ता कौन है दुनिया में? भाई संसार का भोक्ता तो भगवान है, और कोई तो है नहीं ना. गधे या घोड़े के ऊपर जब सवारी होती थी ना, तो लोग जब चढ़ के जाते थे, गधे को तेज चलाने के लिए क्या करते थे, घोड़े को एक लकड़ी के आगे गाजर बांध देते थे, फल बांध देते,
वो गधे से की आंख से एक आधा फुट आगे होता था और गधा उसको देख के दौड़ता था, अभी खाऊंगा अभी खाऊंगा अभी खाऊंगा। दौड़ता बहुत तेज था लेकिन फाल तो लाठी में बंधा होता था, उसके मुंह में तो आता नहीं था। और तेज इतना भागता था, मंजिल पे पहुंचने के बाद मालिक नीचे उतर के खुद खा जाता था गाजर और दो लाठी मारता था गधे को। हम भी इस दुनिया में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये बिल्डिंग बन जाएगी, ये घर बन जाएगा, ये मिल जाएगा, ये गाड़ी आ जाएगी, लेकिन मालिक इसमें से कुछ हमारे हाथ नहीं आने वाला है। भगवान भोगता है, हम भोगता है ही नहीं, तो भोगने का सोचना ही मूर्खता है। ये बड़ी माया है, इसको माया कहते हैं। माया के दो काम है, क्या काम है दो माया के? आवरणात्मक और विक्षेप। आवरणात्मक का मतलब असली चीज को ढक दे। अब असली चीज क्या है जिसको ढक दिया है? आत्मनि, जो इसमें श्लोक में है ना तीसरी लाइन में, आत्मनि अवभासते, आत्मय अवभासते, विद्यमान आत्मय अवभासते। तो जो आत्मने है वो तो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है ना, उसको ढक दिया, वो दिखता नहीं है। और ये दुनिया सारी दिखा दी जो सदा रहने वाली है नहीं। इसका एक एग्जाम्पल विविड एक एग्जाम्पल इसका एक दिया जाता है, याद है कौन सा? शनि महल पर सुन रहे हैं। शनि महल जो बड़े में देखने जाते हैं ना, तो किसी अपने सगे संबंधी के साथ, मित्र के साथ जाते हैं ना, डियर फ्रेंड के साथ जाते हैं ना, जब शनि महल भर जाता है तो क्या काम करते हैं? पहला लाइट ऑफ करते हैं, ब्लैकआउट होता है ना अंदर, जिसके साथ गए थे वो तो नहीं दिखेगा ना। और फिर सामने स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म 3 घंटे चलाएंगे, आप उस फिल्म को सच्चा ऐसा समझ जाएंगे कि रोने भी लग जाएंगे। मर गया हीरो मर गया, रोने लग जाएंगे। उसको कुछ भी नहीं होता है, वो पैसे कमा रहा था और आप पे पैसे खर्च करके मुफ्त में रोते होते, ऐसे होता है कि नहीं होता? वो हासिली कुछ भी नहीं है। 3 घंटे के बाद लाइट आ गई तो उधर कुछ भी नहीं है, ये जो साथ में आया था यही दिख रहा है, बाकी तो कोई नहीं। तो ऐसे भगवान हमारे साथ परमात्मा आए हैं, वो तो दिख नहीं रहे, ब्लैक आउट माया अज्ञान तिमरन दस्य, ये तो अंधकारमय शरीर है संसार, ये तो शनि महाल है उसमें लाइट बंद की हुई है। ओम अज्ञान तिमरन दस्य का मतलब है लाइट ऑफ है। और सामने स्क्रीन इस दुनिया के ऊपर बड़ा सा एक चल रहा है चलचित्र, क्या चलचित्र चल रहा है? फिल्म चल रहा है, घर है, दुकान है, मकान है, मेरा है, ये है, वो है, और हम उसमें इतने कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, लेकिन जब लाइट ऑन होती है तो उसमें जब कुछ भी नहीं होता है वही होता है जो हमारे साथ आता है। तो माया पहला काम क्या करती है? भगवान को ढक देती है और इस दुनिया को सच्चा ऐसा दिखा देती है कि हम उसमें रम जाते हैं। 3 घंटे, वो 3 घंटे यहाँ 100 साल उस हम दुनिया के फिल्म में ही अटके हुए होते हैं। तो ये क्या है? इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अल्दो इज ए शेडो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, शेडो है लेकिन शेडो में असल को देखने का भ्रम हो जाता है। तो ये है माया का। यहां क्यों ऐसी नारद बातें कर रहे हैं भाई? नारद को ये बातें करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सृष्टि भी आप करते हो, उसको एनहेलेट भी आप कर रहे हो, ये दोनों आप कब जब चाहो तब कर सकते हो। इसका मतलब आपका इंटेंशन हम जानते हैं, नारद का मतलब ये हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है, फिर भी हम जानते हैं। आप पांडवों के लिए क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये तो जरासंध का मैसेज आया है ना वहां राजाओं का, अब आपको करना क्या है वो आपके दिल में है, कोई नहीं जानता है। अब इसको आप किसी के माध्यम से आपकी इच्छा को प्रकट कराओगे, और आपको जाना पांडवों के पास है, ये आपका इंटेंशन क्या है? आप पांडवों के पास जाएंगे क्योंकि भक्तों के पास जाएंगे,
लेकिन उनका हित करेंगे। कैसे हित करेंगे? कि राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होगा जब सारे राजा महाराज युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार करेंगे। जरासंध तो करेगा नहीं, तो जरासंध को मारने का तो रास्ता निकल ही आएगा वहां से। तो ये आपका क्या इंटेंशन है ये कोई नहीं जानता, जानता भी है कोई भी नहीं जानता। ये नारद जी ऐसे कह रहे हैं कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू प्लान टू डू इन द फ्यूचर। नो बडी कैन, प्रभुपाद जी, नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू प्लान टू डू इन फ्यूचर। ये बात दूसरे महाजन ने की है, ये नारद कह रहे हैं। इसकी रियलाइजेशन है दूसरे महाजन कौन से की है रियलाइजेशन है? भीष्म देव की। भगवान श्री कृष्ण चरणों के पास खड़े हैं, लेफ्ट साइड में पांच पांडव खड़े हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। राइट साइड में सब ऋषि बैठे हैं, व्यासदेव बैठा है और परशुराम बैठे हैं, भगवान के अवतार बैठे हैं, तीन तीन चार चार। भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं आप धर्मराज हो, धर्म के ऊपर चलने वाले हो, ब्राह्मणों के अनुयायी हो, उनके सेवक हो, श्री कृष्ण आपका मित्र है, बंधु है, रिश्तेदार है, फ्रेंड है, फिर भी आपके जीवन में इतने रिवर्सेस, इतने सारे संकट आपके जीवन में आए, क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? युधिष्ठिर महाराज उत्तर नहीं दिया। भीष्म पितामह क्या उत्तर देते हैं? इन सब के पीछे काल है। तो युधिष्ठिर महाराज, काल किसके अधीन है? हु कंट्रोल्स द काल, पूछा युधिष्ठिर ने। तो भीष्म पितामह हाथ की उंगली ऐसे करके कृष्ण की ओर बोले, काल इसके इशारे से काम करता है, ये काल को चलाता है। तो युधिष्ठिर का, ये तो हमारा रिश्तेदार है, हमें पता होना चाहिए। बोला इसके मन की ना नारद जानता है, ना कपिल जानता है, ये बारह महाजन भी नहीं जानते। ये क्या सोचता है कोई नहीं जानता, इसका फ्यूचर का क्या प्लान है किसी को मालूम नहीं, पूछेगा दूसरे से। तो ये भीष्म पितामह ने यही बात कही है, ये काल इसके इशारे से, सब कुछ काल से होता है। समय बड़ा बलवान है, समय ही सब कुछ कर रहा है। समय हाउ टाइम वर्क्स एक्चुअली, जैसे पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता था ना, उसे एक रील होती थी, वो टाइम वो रील है, वो जैसे चलती है तो इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है, अपने आप होता जा रहा है। और टेप का काम क्या है, टाइम का काम क्या है? टाइम का काम है भगवान को मटीरियल वर्ल्ड से अलग करना, टू सेपरेट द सुप्रीम लॉर्ड फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। कैसे? इसका उदाहरण प्रभुपाद ने ये दिया है, कैसे? टेप का आवाज मेरा है, टेप में आप चलाओगे तो बोल मैं रहा हूं, लेकिन मैं वहां नहीं हूं। ऐसे ये दुनिया भगवान ने बनाई चलाई, लेकिन ये चल रही है, इसमें भगवान है नहीं। किसने सेपरेट किया? काल ने। सो काल हैज, टाइम हैज सेपरेटेड सुप्रीम लॉर्ड फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में भगवान होते हुए भी उसके साथ नहीं जुड़े हुए, ये काम किसने किया? काल ने। जैसे रिकॉर्डेड साउंड आदमी से अलग हो जाता है, वहां आदमी नहीं है लेकिन उसका साउंड चल रहा है, ऐसे ये दुनिया चल रही है, भगवान ही चला रहा है लेकिन इसमें दिख नहीं रहा। ये है इनकंसीवेबल, जैसे इनकंसीवेबल योर प्लान टू डू इन फ्यूचर, आप कहां क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, नोबडी नोज। योर ट्रांसेंडेंटल पोजिशन इज ऑलवेज इनकंसीवेबल टू एवरी वन। लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में क्या था? आत्मनि से पहले क्या है? विलक्षण आत्मनि, विलक्षण आत्मनि। आप मुझसे अलग हो, आप मुझे कहते हो मेरे कारण सब दुनिया निर्भय हो जाती है, एवरीबॉडी बिकम फ्री फ्रॉम फियर इन थ्री वर्ल्ड्स बिकॉज ऑफ मी। नहीं, आई नो एवरीथिंग यू से, ये सत्य है। आगे व्यास देव ने नारद को कहा है,
कि आप सूर्य की तरह सब जगह जा सकते हो। सूर्य सब जगह पहुंच सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, और हवा की तरह अंदर बाहर जा सकते हो। ये नारद के लिए कहा है, व्यास देव ने यही कहा है ना, नारद को यही कहा है कि आपको अर्क सूर्य के समान होगा। कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। वहां तो नारद सब जगह पहुंच सकता है, इसका मतलब कि नारद का ये व्यासदेव कह रहा है, इसका मतलब नारद को जो भगवान ने कहा है वो भी सत्य है। लेकिन फिर भी नारद नहीं समझ सकता है कि कृष्ण का प्लान क्या है। यू आर ट्रांसेंडेंटल पोजिशन विलक्षण आत्मनिक, आत्मनिक अर्थ है नेचर, विलक्षण मतलब सेपरेट फ्रॉम अदर्स, और सेपरेट फ्रॉम अदर को कहते हैं अलौकिक या ट्रांसेंडेंटल, लोक से न्यारा। तो लोक वाले का क्या है और लोक से न्यारा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? लोक का नेचर हमने पहले शुरू में पढ़ा, द नेचर ऑफ ए इंडिविजुअल इज मेड बाय थ्री फोर्स ऑफ मटेरियल नेचर, भाई प्रकृति के तीन गुणों से सबका स्वभाव बनता है, और भगवान का स्वभाव प्रकृति के तीन गुणों से परे है। ये है ट्रांसेंडेंटल योर नेचर का मतलब, कि योर नेचर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, वो ट्रांसेंडेंटल है। वो क्या है? वो आपकी स्वरूप शक्ति के माध्यम से, आपकी संकल्प शक्ति, ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं भगवान की? मेरे ख्याल 16 शक्तियों का वर्णन है, 16 शक्तियों का वर्णन है। ये सब शक्तियां आपके स्वरूप शक्ति से उत्पन्न होती है, और ये कोई नहीं जान सकता। इनकंसीवेबल टू एवरी वन एज फार एज आई एम कंसर्न, नारद कहते हैं जहां तक मेरी बात, आई कैन सिंपली ऑफर माई रेस्पेक्ट ऑब्लिगेशंस टू यू अगेन एंड अगेन, मैं मात्र आपको प्रणाम कर सकता हूं, क्योंकि आपके बारे में जानना मुश्किल है, इसलिए आपको प्रणाम करना ही एकमात्र मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं आपको प्रणाम करूं। इसमें प्रणाम करते हैं, कल वाले श्लोक में सरेंडर करेंगे, कल वाले श्लोक में कहेंगे आई सरेंडर टू यू, मैं आपका शरण लेता हूं। अब प्रभुपाद आगे लिखते हैं, द वर्ड स्व विलक्षण आत्मने आल्सो इंडिकेट दैट लॉर्ड कृष्णा हैज हिज ओन यूनिक नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है श्री कृष्ण का यूनिक नेचर क्या है और करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपस में। व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ कृष्ण, कृष्ण का यूनिक नेचर क्या है? यूनिक का मतलब अनकंपेरेबल, किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ कृष्ण एंड व्हाट आर हिज यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, ये लेख दो शब्द लिखे हैं, इसको खोलिए, ओपन कीजिए, क्या है नेचर श्री कृष्ण का यूनिक नेचर? भक्त वत्सल, ऑल अट्रैक्टिव, यहां भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल। क्या करेंगे? पांडवों के पास जाएंगे, क्योंकि भक्त हैं पांडव। ये यूनिक नेचर है भगवान का। लास्ट क्लास में एक लाइन कही थी, याद करना, ही इज कृष्णस यूनिक नेचर इज इम्पार्शली पार्शल। सबको कहते हैं मेरे भक्त बनो, जो भक्त बनता है उनसे पार्शलिटी करते, तो ये है यूनिक नेचर कृष्णा, इम्पार्शली पार्शल। ही इनवाइट एवरीबडी टू बिकम माय डिवोटी, बट ही वन बिकम डिवोटी देन ही प्रोटेक्टिव नमे भक्त प्रणश्यते, ये यूनिक नेचर भक्त वत्सल, भगवान का यूनिक नेचर। और दूसरे करेक्टर क्या है? यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, भगवान के यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कितने गुण हैं भगवान के यूनिक? कितने 64 है, कितने
64 है ना, वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कृष्ण कितने हैं, 64। एक लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, इट इंक्लूड्स लॉट, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक नेचर, नेचर सिंगुलर में, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूरल में। तो नेचर एक है, वो क्या है, भगवत्सल, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनलिमिटेड। नो वन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन गॉड, ये यूनिक की डेफिनेशन, नो वन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन गॉड, ये है भगवान की यूनिकनेस। हाउ इज यूनिक, बिकॉज नो बडी इज इक्वल टू हिम, नो बडी इज ग्रेटर। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मोर ओवर का मतलब पहले वर्ष से कनेक्टेड है, तो मैं लास्ट जो वर्ष है उसमें चक्रवर्ती पाद ने क्या कहा है वो मैं पढ़ लेता हूँ। चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं यहाँ, बाय योर ओन माया यू बिवेल्डर थ्री वर्ल्ड्स, प्रीवियस जिस श्लोक था कल उसमें चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, बाय योर ओन माया यू बिवेल्डर द थ्री वर्ल्ड्स, देयरफॉर इट इज एस्टॉनिशिंग दैट यू आर आस्किंग अबाउट फियरलेसनेस ऑफ द पीपल इज देयर। आप सबको भ्रम में डालते हो और कुछ मुझे कहते हो कि मैं उनको निर्भय कर दूं, भय में आप डालते हो और मैं उनको कैसे निर्भय करूंगा। बट फॉर वन प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन इज नॉट एस्टॉनिशिंग, दिस इज द आइडिया एक्सप्रेस इन दिस वर्स। ये जो श्लोक है इसमें ये कहा गया है, आई हैव सीन मेनी टाइम्स इनसरमाउंटेबल माया ऑफ यू हु आर बिवेल्डर्ड मीना मायना इवन ऑफ इवन ब्रह्मा विश्व सृजा, ब्रह्मा भी आपकी माया से भ्रमित हो जाता है। मैंने देखा है कई बार माया से ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, मैंने देखा है। ऑफ यू हु आर प्रेजेंट चरता विद इन ऑल बींग्स थ्रू यूर एनर्जी सच एज माया along with your form as Paramatma, तो माया के रूप में भी दुनिया में हो और परमात्मा के रूप में भी दुनिया में हो, of Paramatma, of all pervading you, but you cover up your omniscience as speaker because of your own desires in performing pastime as human। आप नर लीला कर रहे हैं इसलिए आप सामान्य मानव की तरह चल रहे हैं और ओमनिशियंस को आपने कवर करके रखा है। देयरफॉर इट्स नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी दैट यू आस्क सच क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप सामान्य मानव लीला कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी माया से ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाता है, मैंने ये देखा है। अब ब्रह्मा जी नारद का बाप है, मतलब मैं क्या, मेरा पिता भी भ्रमित होता है, अब क्या पूछ रहे हैं मुझसे। अब इसको कंटिन्यू करते हुए इस श्लोक में चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, Moreover, who can understand the intention, ihitam, of you, who sometime create and sometime destroy the universe with which gets its life from you, residing as a Paramatma? ये दुनिया बनाते हो आप, इसके अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हो, फिर इसी को मिटा देते हो। कहीं कहीं इसको लिखा है, इट इज your play, it is your play, ये दुनिया का creation, dissolution, maintenance, ये आपका play है। इसका example क्या देते हैं, बच्चे जाते हैं ना घूमने समुद्र के किनारे, वो गीली मिट्टी से घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, खुश होते हैं, एक घंटा आधा खेलने के बाद दो लात मार के उसी को मिट्टी को मिट्टी मिला के चलते हैं। ये आपके लिए, ये बच्चों का खेल है दुनिया बनाना और इसको फिर मिटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप ऐसे करते हैं, आप क्या करें। और आप इसी में बैठे हैं। देयरफॉर आई ऑफर माय रिस्पेक्ट टू यू हु आर कंप्लीटली इनकंसीवेबल, सो विलक्षण आत्मने, बाय योर वेरी नेचर, आपके स्वभाव से आप सबसे भिन्न हो, आप जानते हो आपको क्या करना है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है, और फिर मैं नहीं उत्तर दूंगा तो आप उद्धव से पूछोगे क्या करना है, खुद नहीं बताओगे।
अब उद्धव क्या फैसला करेगा, अपनी तरफ से करेगा? नहीं, परमात्मा तुम अंदर बैठे हो, उद्धव को कहो ऐसे कहो, काम कौन करता है? आप परमात्मा के रूप में, जो आपको करवाना है वो कर लेते हो, अब मुझसे पूछ रहे हो और मेरे को मान सम्मान दे रहे हो, ये तो आपकी बड़ाई है, लेकिन हमें आपको प्रणाम करता हूँ, ये सत्य नहीं है। आपको मालूम है आपका इंटेंशन क्या है, हम नहीं जानते। जीव गोस्वामी लिखते हैं, दो यू डिजायर टू से दैट आई हैव ऑल नॉलेज बाय योर क्वेश्चन, आपने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नारद को यही कहा ना कृष्ण ने कि आप सब कुछ जानते हो, वट पर्सन लाइक मी आर इवन ए ग्रेट सोल कैन रियली अंडरस्टैंड योर एक्टिविटीज सिंस यू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट एंड कंट्रोल दिस होल यूनिवर्स व्हिच वाज द टॉपिक ऑफ योर क्वेश्चन। आपने कहा तीनों लोगों को फियरलेस करना, मैं करता हूं, क्या कह रहे हो, ये सृष्टि करते आप हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, मेरे को क्या पता, आपने कह दिया। Therefore, I offer respect only to you, who manifest this universe in its present form like a crystal marble shining in the palm of your hand. ये दुनिया आपके हथेली के ऊपर चमकता हुआ एक क्रिस्टल लग रहा है, आप मुझे पूछ रहे हो कि इसमें क्या है। इसका अर्थ ये है कि आप देखने में जब बात, कृष्ण वांट टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज, नारद के ग्लोरीफिकेशन कर रहे हैं, एंड नारद वांट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, दिस इज कॉम्पिटिशन, भक्त भगवान की महिमा गाता है और भगवान भक्त की बड़ाई की करते हैं, ये दिख रहा है। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि हम भगवान की शिक्षा से हर अपने दूसरे भक्त की अच्छे गुणों का सदा के लिए प्रशंसा करना चाहिए, और ये एक चीज भक्तों में अलभ्य है। इन है जो भक्तों के अंदर जिसकी जिसका सबसे ज्यादा कंजूसी है, माइजरलीनेस है, वो है अपने फेलो बींग को, अच्छे क्वालिटीज को एडमायर करना। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने सहयोगी साथी भक्त हैं उनकी कभी भी अच्छाइयों की प्रशंसा नहीं करते, और यहां भगवान नारद के गुणों का बखान कर रहे हैं और नारद भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं। इससे प्रीति बढ़ती है, इससे एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता है। ये प्रभुपाद से डायरेक्ट दीक्षा तो नहीं दी थी, लेकिन प्रभुपाद के शिक्षा से एक पीटर ब्रोश के नाम से एक अमेरिकन है जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा मोटिवेटेड स्पीकर है, उसकी किताब भी लिखी है, और एक किताब का नाम है मास्टरिंग दी डैच। उसका डैच का मतलब क्या है, बोले जब आदमी जन्म लेता है तो उसकी एक डेट होती है, फिर मरता है तो एक डेट होती है, दोनों के बीच में एक डैच होता है, पॉइंट होता है, जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच में जो एक डैच है उसको मास्टर करो, वही आपकी लाइफ है। उसका एक किताब है, ये वो कह रहा था कि मैंने इस कान में गत 50 साल में जो देखा है, सबसे बड़ी स्केर्सिटी है कि हम एप्रिशिएट नहीं करते हैं अपने डिवोटीज को। ये उसका एक रीडिंग है कि हम अपने साथ काम करने वाले भक्तों के अच्छे गुणों का वर्णन नहीं करते, और प्रभुपाद ने उन हिप्पीज के अंदर भी अच्छे गुण एक को देखा, उसी को इतनी हवा दी कि उनकी बुरी चीजें उसके अंदर जल के खत्म हो गई और वो चमक गए। तो अगर हम अच्छे किसी के गुणों का प्रशंसा करेंगे तो उसको अच्छा बनना आसान हो जाएगा और उसकी कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। और दूसरा उसने कहा कि मैंने देखा है जो भाई नाम हट है, ये नित्यानंद ने नाम हट खोला है ना, और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको हट ही कहा है, दुकान कहा है। तो ये हमारा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसमें सेल्समैन हैं, तो सेल्समैन को अपने कस्टमर का केयर कैसे करना है वो हमको आता ही नहीं,
उसने कहा दूसरा जो कमजोरी मैंने देखी है, वीक पॉइंट, पहली वीक पॉइंट अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और दूसरा कस्टमर केयर नहीं है हमारे पास। लोग आते हैं हजारों के संख्या में यहाँ, लेकिन हम उनको कैटर नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। ये दो चीजें यहाँ कृष्ण के दिनचर्या से ये दो चीजें सीखने को मिलती है। जो आया सभा में उसका क्या सम्मान कैसे किया और उनको एप्रिशिएट कैसे किया, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी वृंदावन के अंदर बैठे प्रवचन देते हुए कह रहे थे, मैंने, प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने 10 साल में 40 रुपये से 40 करोड़ किया पूरी दुनिया के अंदर एक संपत्ति स्थापित कर दिए कृष्ण भावना की। कोई बिजनेसमैन ऐसे नहीं कर सकता है। और फिर कहते हैं हमारे मंदिर में जो आते हैं उनको भगवान कृष्ण कौन है ये बताओ। एक बार वो कृष्ण का हो जाएगा तो वो अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर देगा। फिर प्रभुपाद ने कहा डोंट लुक इनटू द पॉकेट बट लुक इनटू देयर हार्ट। उसके जेब को मत देखो, उसकी दिल को देखो। आया तो भगवान का दर्शन करने है ना, तो उसको भगवान दे दो। और फिर प्रभुपाद ने कहा मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग, वो अपने आप आ जाती है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आने वाले लोगों को कृष्ण के विषय में बताओ। सो ये है कस्टमर केयर, जो मॉडर्न लैंग्वेज में जो हमारे पास आते हैं हाथ जोड़ के उनका स्वागत करें, आए बैठो, मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो बिठाएं 2 मिनट उनको, चरणामृत ले लो, बैठो, थोड़ी देर के बाद दर्शन होंगे, कैसे प्रभुपाद ने ये मंदिर बनाया, ऐसे कुछ भी उसको कृष्ण भावना से जोड़ो। एक भी व्यक्ति डिवोटी से बात करने के बिना, जो भी आप में से भक्त बनाए, किसी भक्त ने आपको आपसे बात की है तभी आप भक्त बने हैं, और प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ा है तभी भक्त बने, दो ही बातें। तो आप दूसरों को यही चीज दो जो आपको मिली है। तो यहां एंड करते हैं जीव गोस्वामी की लास्ट लाइन को, यू शुड नॉट डिनाई दिस स्टेटमेंट सिंस यू आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी। नारद कहते हैं आप विलक्षण हो, आप मुझसे अलग हो, आप अपने को मुझ जैसा मत कहिए, आपका काम मुझसे अलग है, आपका इंटेंशन भी अलग है। और फिर नारद एक और प्रार्थना करके फिर कहेगा आपने मुझसे पूछा है पांडवों के विषय में, तो महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में आपका गुणगान गा के आपकी पूजा करके पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करना है आचार है। और ये इतना कहा नारद ने तो बलराम जी वाला पक्ष के यदुवंशी वो अपने गदा उठा के कहा नहीं, जरासंध हमारा शत्रु है, मारने चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव आप अब बताओ क्या करना चाहिए हमको, ऐसे ये अध्याय पूरा होगा, अब उद्धव आप बताओ क्या करें, क्योंकि ये कहते हैं कि जरासंध को मारने जाओ, और नारद कहता है कि महाराज युधिष्ठिर और पांडव यज्ञ में हमको बुलाना चाह रहे हैं, अब कहाँ जाएं। तो दूसरा ये है कि सबके सहयोग से बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, सबको मिलजुल के करना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ये दिनचर्या में कृष्ण सिखा रहे हैं। तो तीन चीज़ें आज हम साथ ले जाएं, काम हमेशा टीम वर्क करके करो, साथ मिलके एक सबके साथ डिस्कस करके किसी निर्णय के ऊपर पहुँचना चाहिए। दूसरा अपने साथियों के अंदर अच्छे गुणों का सदा ही जो है एक एक एक्सपेरिमेंट किया था एक स्कूल में, कहा कि हर बच्चे में अच्छे 2 गुण कागज पे लिख के दो, और जब सब लोग अब 40 बच्चे एक के 2 गुण लिखे हैं तो इसका मतलब उसके 80 गुण में से समान भी हों तो भी 25-30 तो अच्छे गुण उसको पता लगेगा मैं उसमें ये अच्छे गुण हैं, और वो उसके जीवन में अच्छा बनाने के लिए सबसे बेस्ट साधन है, वो अपने आप अच्छा बन जाए। तो हमारे को ये भगवान नारद का गुणगान कर रहे हैं
इसका मतलब भगवान कहते हैं कि आपकी दिनचर्या में कम से कम एक भक्त का आप जिसमें अच्छाई कोई देखो तो बोल दो कि हमको बड़ा अच्छा लगा आपके स्वभाव में, तो उससे क्या है वो उसका स्वभाव और निकलेगा और आपको भी उससे लाभ मिलेगा। और जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप भी उसका जेन्युइन जो अच्छाई है उसको वापस बताओ। ये भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि हमारे को अपनी दिनचर्या कैसे करनी है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? टाइम तो हो गया, एक प्रश्न का टाइम है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू जी, बहुत अच्छा क्लास किया, इंस्पिरेशन प्रेरणा मिला। तो ये एक प्रश्न था, दो ही प्रश्न थे। एक पूछो अपने कवरिंग पोटेंशियल आप ना कर सकती वो एक्सप्लेन करो, उसके बाद एक लेक्चर लेक्चर का आपके बाद सकती। तो वो मैं पढ़ा हूँ कृपा जी को उसे, लेकिन समझा नहीं पड़ा वो क्या है लेक्चर का लेक्चर का बता सकते। जो दूसरी शक्ति है माया अवरात्रा है और एक दूसरी वो दूसरी शक्ति क्या है कैसे उसको थोड़ा विवरण कर पाएंगे? पक्षपात का अवनात्म विक्षेप विक्षेप पक्षपात नहीं विक्षेप अवनात्मिक एंड विक्षेप। अवनात्मिक मीन्स टू कवर द रियल थिंग, विक्षेप मीन्स टू शो समथिंग अनरियल। विक्षेप का मतलब जिससे हम भ्रम में पड़ जाए, शेडो को सत्य समझ लें, रिफ्लेक्शन को सत्य मान लें। माया का ये काम है जगत को सत्य दिखा दे और भगवान को छुपा दे। वैसे माया के प्रकृति के तीन काम है। वैसे जनरली जो मैन प्रकृति है उसका पहला काम है ये दुनिया बनाना, वो सत्य है, ये दुनिया बनी हुई है ये तो सत्य है। दूसरा है अविद्या, और जिससे हम सब भ्रम में पड़ते हैं वो सत्य नहीं है, दैट इज नॉट ट्रुथ, वो अविद्या है। उसके पांच पर्व हैं, अविद्या के पांच पर्व हैं, राग द्वेष अभिद्वेष और क्या है, राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश और पांच, इसको कहते हैं माया के पांच पर्व। और ये ब्रह्मा जी ने बनाई सृष्टि, जब ये तो माया की सृष्टि भी की है, ये भी प्रकृति है लेकिन ये सत्य नहीं है। और तीसरा है विद्या, वो भी प्रकृति का हिस्सा है, जो भौतिक प्रकृति जिसको हम कहते हैं प्रधान या जिसको महत्तत्व कहते हैं, उसके तीन पार्ट हैं। एक ये सृष्टि जो सत्य है, एक अविद्या जो ब्रह्म है, और एक विद्या जो अविद्या को काटने के लिए है। ये तीनों भी माया का ही विस्तार है इस दुनिया में, ये भौतिक जगत, अविद्या और विद्या, ये तीन। और दूसरा आवरणात्मक उसका काम है माया का, और विक्षेप टू बिविल्डर एंड टू कवर द रियल एंड टू बिविल्डर टू शो द रिफ्लेक्शन। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दाय गोर प्रेमानंदे। धन्यवाद।